नमस्कार, मैं राजेश कुमार वर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महाराज ललितपुर। विषय पैडागोजी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, बीएड फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। सबसे पहले एग्रीकल्चरल साइंस होता क्या है इसके बारे में जानते हैं, इसके बाद इसकी प्रकृति यानी नेचर के बारे में जानेंगे। तो एग्रीकल्चरल साइंस से तात्पर्य यह है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर लैटिन शब्द के एग्रीकल्चरा से लिया गया है, जिसमें एगर का अर्थ फील्ड होता है और कल्चरा का अर्थ कल्टीवेशन होता है। कृषि का अर्थ फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया से तथा कला विज्ञान अथवा तकनीक से होता है। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन, फल उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि भी शामिल किया जाता है। इसकी परिभाषा है, कृषि वह कला है या विज्ञान है या उद्योग है जो मानव उपयोग के लिए पौधे और पशुओं के विकास का प्रबंध करती है। नंबर दूसरी परिभाषा है इसकी, कृषि पौधे तथा अन्य फलों के उगाने की कला विज्ञान है, कला एवं विज्ञान है तथा आहार मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अधिक लाभ के लिए पशुओं का पालन करना ही एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान कहलाता है। अब एग्रीकल्चर साइंस के नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर इसकी, एग्रीकल्चर का नेचर जो है प्रकृति से संबंधित चीज़ें, जैसे व्यक्ति के लिए एग्रीकल्चर क्या देता है, इसका नेचर क्या है, ये जो है मानव के लिए या जानवरों के लिए फूड देते हैं, भोजन देता है, फाइबर देता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देती हैं और विभिन्न प्रकार की सर्विसेज देती हैं, यह इसकी प्रकृति है। एग्रीकल्चर साइंस के कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इसकी कुछ ब्रांचेस निम्नलिखित हैं, एग्रोनॉमी है नंबर एक, नंबर दूसरा है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, नंबर तीसरा हॉर्टिकल्चर, नंबर चौथा है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, नंबर अगला है प्लांट पैथोलॉजी, नंबर अगला है एंटोमोलॉजी, नंबर अगला है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, अगला नंबर है एक्सटेंशन एजुकेशन, नंबर अगला है एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, नंबर अगला है सीड टेक्नोलॉजी एंड अगला नंबर है प्लांट फिजियोलॉजी, अगला नंबर है फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। ये निम्नलिखित कुछ एग्रीकल्चर की ब्रांचेस हैं जिससे हम एग्रीकल्चर की अदर फील्ड के बारे में जानते हैं या उनका अध्ययन करते हैं। कुछ न्यू मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं, जैसे सॉयल एंड वाटर सेंसर, नंबर अगला है वेदर ट्रैकिंग, नंबर अगला है सैटेलाइट इमेजिंग,
अगला है वर्टिकल फार्मिंग, नंबर अगला है RFID टेक्नोलॉजी, नंबर अगला है मिनी क्रोमोसोमल टेक्नोलॉजी। ये कुछ निम्न प्रकार के मेथड हैं जिनका हम अप्लाई एग्रीकल्चर साइंस में अध्ययन के दौरान किया जाता है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट टाइम में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।